हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एस रिव्यूज। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि लियो मूवी की जो शूटिंग है वो लगभग 50% कंप्लीट हो चुकी है और इस मूवी की जो मेकर्स प्लान कर रहे हैं रिलीज डेट वो लगभग 19 अक्टूबर 2023 है, यानी कि 19 अक्टूबर को इस साल ही ये मूवी रिलीज हो सकती है, जो कि मेकर्स की तरफ से अपडेट निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब इस मूवी की जो ओवरसीज के राइट है वो भी सोल्ड आउट कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने में सोल्ड आउट हुए हैं फुल डिटेल देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो को देख सके। तो फैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लियो मूवी जो कि लोकेश कंगराज सर के यूनिवर्स का थर्ड पार्ट है, यानी कि इससे पहले कैथी आ चुकी है, विक्रम आ चुकी है और अब लियो आने वाली है, जिसमें आप सभी को थलापति विजय सर नजर आने वाले और संजय दत्त मॉन्स्टर स्टाइल में देखने को मिलने वाले हैं। वही अगर बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी का आप सभी को पता है कि पहले थिएट्रिकल राइट और नॉन थिएट्रिकल राइट सेल्स हो चुकी हैं, वो जो कि लगभग 400 करोड़ में सेल आउट हुए थे, और वहीं अब इस मूवी के जो ओवरसीज के राइट हैं वो भी लगभग सेल आउट कर दिए गए हैं, जिसके लिए लोकेश कंगराज सर ने लगभग 70 करोड़ की डिमांड की थी, यानी कि 70 करोड़ में वो अपने जो राइट्स हैं वो सेल आउट करेंगे। लेकिन आखिरकार इस मूवी के जो राइट्स हैं ओवरसीज राइट वो लगभग 60 करोड़ में सेल आउट हुए हैं, यानी कि 60 करोड़ में जो डील है ओवरसीज राइट की लियो मूवी की वो डन हो चुकी है, यानी कि इस मूवी ने रिलीज से पहले ही 450 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। ये जो अपडेट है ऑफिशियली वेबसाइट पर, यानी कि सेक्निल वेबसाइट पर देखने को मिली है, जिस पर जो खबर निकल कर आती है वो 110% कन्फर्म होती है। तो दोस्तों, इस तरह सेक्निल वेबसाइट ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो लियो मूवी के ओवरसीज के राइट हैं वो लगभग 60 करोड़ में सेल्स आउट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं लियो मूवी के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो को देख सकें।